करने वाले कुछ साइंटिफिक असमन योगी जो तुम्हारे दिमाग पर तुम ठोक ठोक के सारे दिन सोचते रहते हो कि कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करें कौन से ना करें, किससे पकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए कभी हेयर प्रोडक्ट का अगवाड़ा नहीं पिछवाड़ा भी देखा करो। इसलिए आज मैं बताने वाला हूं सेंसिटिव स्कैल्प के लिए सबसे वर्स्ट इंग्रेडिएंट्स कौन से होने वाले। तो चलो वीडियो की तरफ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा आपको प्यारा दुलारा सल्फेट। मान लिया तुमने उससे डरते रहते हो। मैं बहुत यूट्यूबर्स बोलते हैं कि यूज मत करो यूज मत करो यूज मत करो, लेकिन मैं कहता हूं मॉडरेशन में यूज करना, हर चीज सही है। ज्यादा कोई भी चीज यूज करोगे, बिना सल्फेट वाला शैंपू भी यूज करोगे वो भी खराब है, ठीक है। इसलिए सल्फेट कंपनीज कई बार डालती है। कई बार जो शैंपूज होते हैं वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर सक करने वाले होते हैं, लेकिन कई कंपनीज जो डालती है वो बहुत अच्छा फॉर्मूला बना के डालती है, और उसके जो सल्फेट्स होते हैं वो क्लेंजिंग एक्शन भी बहुत अच्छा कर देते हैं, और उसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं ना शैंपू के वो अच्छे से मॉइस्चर भी वापस भर देते हैं, तो इतना ज्यादा ड्राइंग नहीं होता वो शैंपू। कंपनीज में भी दिमाग है, वो तुम्हारे लिए बना रही है ना, तो वो मजाक नहीं कर रही है शैंपू, वो भी पैसा लगा रही ना तो मजाक नहीं कर रही। सस्ते शैंपूज में अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं होंगे और ज्यादा वो ड्राई करेंगे, लेकिन जो महंगे होंगे उनमें सल्फेट डाल भी रखा है ना, तो सोच समझ के डाल रखा होगा, इसलिए सल्फेट से डरो मत। लेकिन सेंसिटिव स्कैल्प वाले थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि तुम्हारा क्या स्कैल्प ऑलरेडी है ना सेंसिटिव है, ड्राई है, इची हो जाएगा और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। इतने टाइप के सल्फेट्स होते हैं जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में यूज करती है, वो यहां पढ़ सकते हो पॉज करके। बात कर लेते अपने पैराबेन के बारे में। हर लोग इसके बारे में बुराई बोलते रहते हैं, यूट्यूबर्स, वेबसाइट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, यार लेकिन अभी तक FDA अप्रूव नहीं कर पाई है कि इससे कोई दिक्कत होती है या नहीं होती है। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये भी बोल रखा है कि ट्यूमर्स में जो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर भी ये इनके ट्रेसेस मिले, लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि कैंसर इन्हीं की वजह से कॉज होता है। इससे रिप्रोडक्टिव इशू हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, इरिटेशन हो सकती है, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये भी कोई चीज पक्की नहीं है। इरिटेशन जरूर हो सकती है, शायद हो सकती है सेंसिटिव स्कैल्प वालों को, नॉर्मल स्कैल्प वालों को शायद नहीं होगी, मुझे भी कभी नहीं हुई। इसलिए सेंसिटिव स्कैल्प वाले उठा के ऐसे एयरपोर्ट को बाहर फेंक दो। इतने टाइप के पैराबेंस होते हैं जो कंपनीज यूज करती है, वो आप यहां पर पढ़ सकते हो पॉज करके। बात कर लेते हैं डाई इथिनोलामीन और ट्राई इथिनोलामीन की, ठीक है। ये कंपनीज क्यों यूज करती है? अपनी पीएच को सही करने के लिए, बेसिक पीएच को एसिडिक ले जाने के लिए, लेकिन ये किसी किसी को इरिटेशन कॉज कर सकती है। सेंसिटिव स्कैल्प वालों को तो आपको इनको यूज नहीं करना इंग्रेडिएंट्स को। बात कर लेते हैं ट्राइक्लोसैन के बारे में। इसको कैनेडियन गवर्नमेंट अपने हेयर प्रोडक्ट्स में से बैन कर चुकी है बिल्कुल, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट अभी सोच रही है। ये क्या काम आता है? एज ए एंटीबैक्टीरियल, प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए भी काम आता है, और एंड रोलोडियोज के अंदर भी काम आता है, ताकि आपके अंडरआर्म्स में या फिर जहां भी आप लगा रहे हो वहां पर बैक्टीरिया ना जमे और बदबू ना आए, ठीक है। और ये हाई अमाउंट्स में ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट कि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन मतलब हार्मोनल इंबैलेंस कर सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है, लेकिन लो अमाउंट्स में जो FDA अप्रूव्ड होती है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो सेंसिटिव स्कैल्प वाले लोग हैं ना उनको इरिटेशन हो सकती है, उसको उठाकर बाहर फेंक दो। बात कर लेते थैलेट्स की। ये क्या करता है? हेयर प्रोडक्ट के जो टेक्सचर है ना उसको और ज्यादा क्रीमी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ताकि एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो सके, और कंपनीज इसको फ्रेग्रेंस के अंदर यूज करती है ताकि फ्रेग्रेंस लॉन्गर लास्टिंग हो सके। तो आपको ये हेयर प्रोडक्ट की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना उसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस में मिक्स होता है। इसलिए अगर आपको फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो तो उठा के ऐसे प्रोडक्ट्स को बाहर फेंक दो, क्योंकि उसमें थैलेट्स होंगे ही होंगे। इसलिए और बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर भी है और हार्मोनल इंबैलेंस भी कर देता है और इनफर्टिलिटी भी कर सकता है हाई अमाउंट्स में, लेकिन लो अमाउंट्स में शायद कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसको उठा के बाहर फेंक दो सेंसिटिव स्कैल्प वाले। आगे थैलेट्स के अलग अलग नाम पॉज करके पढ़ सकते हो। कर लेते हैं अल्कोहल डिनेट के बारे में। आपको ये पीना नहीं है, ये हेयर स्प्रे और इंग्रेडिएंट्स में डाला हुआ होता है, काफी चीप हेयर प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में डाला हुआ होता है, और हेयर स्प्रे में तो हर में होगा, भले सस्ता हो चाहे महंगा हो, ताकि वो इजीली ड्राई हो सके और आपको तगड़ा कड़क कड़क होल्ड दे सके। और अगर आपको इससे सेंसिटिविटी है, प्रॉब्लम है, इरिटेशन होती है, तो इसको साइड में उठा के फेंक दो, क्योंकि ये एक्सेस यूज है ना इसका, बालों को ज्यादा ड्राई कर सकता है, इसलिए कभी कभार यूज किया करो। सो अल्कोहल जो कंपनीज अपने यूज करती है हेयर प्रोडक्ट्स में, वो ये आगे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक कलर्स की। सिंथेटिक कलर्स कोई भी स्कैल्प को आपका उठा के बाहर फेंक दो, भले कोई सा भी हो, सेंसिटिव हो या नॉर्मल हो, बकवास होते हो। बात कर लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड्स और फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर्स के बारे में। देखो फॉर्मल्डिहाइड्स ना बोलते हैं कि कैंसर्स कॉज कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप उसको सूंघ लो, डायरेक्ट सूंघ लो बहुत ज्यादा अमाउंट में। लेकिन हेयर प्रोडक्ट्स में जितना FDA ने अप्रूव्ड है कंपनीज उतना ही हेयर प्रोडक्ट्स में डालती है, तो कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फ्लामेशन और रेडनेस और इरिटेशन हो जाती है, जैसे सेंसिटिव स्कैल्प वालों को, तो उनको ये चीज यूज नहीं करनी चाहिए। टाइप की कंपनीज फॉर्मल्डिहाइड्स यूज कर सकती है, वो ये आगे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं बेंजीन, टोलुइन और अमोनिया के बारे में। ये कलरिंग और ब्लीचिंग एजेंट्स में यूज होते हैं और केराटिन ट्रीटमेंट्स में भी यूज होते हैं, तो जिन लोगों को ये चीज ज्यादा पसंद करना है तो वो कम कर दो, क्योंकि ये आईसाइट को वीकन कर सकते हो और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले जाए ना तब कर सकते, नहीं तो आईसाइट में प्रॉब्लम कर सकते हैं, आईसाइट
कम हो सकती है आपकी और इरिटेशन तो कॉज कर ही सकते हैं सेंसिटिव स्कैल्प वालों को, इसलिए उसको उठा के फेंक दो। और अब हुआ MIT, ये आ गया पूरा नाम, मुझे नाम याद नहीं है, और ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है लेकिन ये भी इरिटेशन कॉज कर सकता है, इसलिए उसको उठा के फेंक दो। बात कर लेते हैं सिलिकॉन्स के बारे में। देखो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, वो बालों को स्मूथ करने के काम आते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं उसको ज्यादा टाइम बालों में रखने से ना बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मोस्ट लोगों को ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनका सेंसिटिव स्कैन है उनको इरिटेशन तो हो ही सकती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको उठा के बाहर फेंक दो। और अब बात कर लेते हैं पीवीपी की, मतलब पॉलीविनाइल प्रोपाइलीडीन की। ये होल्ड प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, मोस्ट प्रोडक्ट्स में यूज होता ही होता है, मोस्ट लोगों को ये सेंसिटिविटी कॉज नहीं करता, लेकिन आपका एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्कैल्प है कुछ ज्यादा ही है तो ये कर सकता है शायद सेंसिटिविटी, इरिटेशन कर सकता है, तो आपको इसको यूज नहीं करना। तो बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।